सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट एक भाषा पढ़ेंगे जिसे हम इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। उन्होंने पार्ट में क्या दिया हुआ, आगे देखिए, पढ़िए और समझिए। हमें देखना है, पढ़ना है और समझना है। आगे क्या है, बोलचाल में भाषा का अर्थ है बोलना। क्या है अर्थ? है बोलना। बोलना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोलकर ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? दूसरों तक पहुंचाते हैं। जब हम बोलेंगे तभी तो हमारी बातें दूसरों तक पहुंचती हैं। जैसे अब मैं बोल रही हूं तो जो मैं आपको समझा रही हूं वो आप तक पहुँच रहा है। किसके थ्रू पहुँच रहा है? बोलकर। ठीक है, आगे क्या है, अध्यापिका कक्षा में बोलकर बच्चों को पढ़ा रही है। वो भी देखो, जो अध्यापिका है वो बोलकर ही क्या कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है। बच्चे सुनकर उनकी बात समझ रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं और उनकी बातें समझ रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है, मनु लिखकर कन्नू तक अपनी बात पहुँचा रही है। जो मनु है वो कन्नू तक अपनी बातें क्या कर रही है, लिखकर पूछा रही। किसको? कन्नू को। कन्नू पढ़कर मनु की बात समझ रहा है। कन्नू पढ़ रहा है तभी तो उसकी बातें समझ रहा है। किसकी? मनु की। ठीक है, इस प्रकार भाषा में चार बातें होती है। क्या होती है? चार बातें, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्या क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, फिर क्या है, भाषा के रूप है। क्या है? रूप है। भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो। बोली गई भाषा यह भाषा का मौखिक रूप है। क्या है? भाषा का मौखिक रूप, जिसे हम ओरल कहते हैं। कहते हैं ना कि हम ओरली बोल रहे हैं, वर्बल बोल रहे हैं, वो क्या है हमारा? मौखिक रूप। लिखी गई भाषा यह भाषा का लिखित रूप होता है। क्या होता है? लिखित रूप, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिटन। हम जब लिखते हैं तो कहते हैं ना कि हमारा रिटन वर्क है, तो लिखित रूप है। जिस तरह हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वैसे ही पशु पक्षी की भी बोलियां हैं। ठीक है, क्या है? उनकी भी बोलियां हैं जिन्हें केवल वे ही समझ सकते हैं और जिन्हें आपस में वो ही समझ सकते हैं। जैसे हम अपनी लैंग्वेज समझते हैं ऐसे ही वो भी क्या करते हैं, अपनी ही भाषा को समझते हैं, अपनी लैंग्वेज को समझते हैं। आओ देखिए कौन कैसे बोलता है। ठीक है, अब जैसे डॉगी है वो क्या कर रहा है? भो भो। अब ये भो भो क्या है? डॉग की क्या है? भाषा है। ऐसे ही जो ये बिल्ली है वो क्या करती है? म्याऊं म्याऊं। क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है। फिर क्या है, कौआ है वो क्या करता है? काऊ काऊ। ये इसकी भाषा है। ऐसे ही जो कबूतर है वो गुटरगू गुटरगू। ठीक है, ये इन सब की अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपनी अपनी भाषा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाषा किसे कहते हैं, जो हमारा बोलकर या लिखकर दूसरों तक विचार प्रकट करते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं उन्हें हम भाषा कहते हैं। ठीक है, हमारे दो रूप है भाषा के, मौखिक और लिखित। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, रिवाइज करना। ओके, आज की क्लास में इतना ही। डैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।